गाइज 18 साल के बाद ही बालिग क्यों कहा जाता है, उसके पहले नाबालिग क्यों कहा जाता है, इसको साइंस भी प्रूफ किया है। इसको गवर्नमेंट नियम है लेकिन साइंस भी प्रूफ किया है। और अधिक के लिए वीडियो के अंत तक बन रहे, ऐसा क्यों किया गया है। जो कि जीभ है, यानी कि जीभ है और सभी के पास है, जो कि वहाँ यानी कि गुलाबी कलर का होता है जीभ। लेकिन कौन सा एक जीव जंतु है जिसके पास गुलाबी कलर का जीभ नहीं होता है, उनके पास यानी कि सफेद हल्का सफेद कलर का होता है वह गुलाबी नहीं होता है। मैं बताना चाहता हूँ कि कुत्ते यानी कि डॉग को गुलाबी जीभ नहीं होता है, वहाँ उसके पास हल्के सफेद रंग के हमें बिलेज। मैं बताना चाहता हूँ कि अक्सर लोग कहे जाते हैं कि अगर आप चिंगम को यानी कि चबा कर घोंट जा रहे हैं तो आपके अंदर जाकर वहाँ 7 सालों तक रहेगा, वहाँ पूर्ण रूप से निकल नहीं पाएगा। लेकिन यह पूर्ण रूप से गलत है। मैं बताना चाहता हूँ कि अगर कोई चिंगम घोंट जा रहा है तो वहाँ यानी कि वहाँ 2 से 3 दिन के अंदर बाहर निकल जाएगा। लेकिन अगर प्रतिदिन आप चिंगम घोंट जा रहे हैं तो आपको बहुत सारे बीमारी उत्पन्न हो जाएगा और आप मर भी सकते हैं। ऐसा प्रतिदिन चिंगम ना घोंटे। आज जो यूरोप है, आपको पिछले वीडियो में बताया था कि यूरोप के बारे में, लेकिन यूरोप का सबसे बड़ा यानी कि बड़ा देश कौन सा है जिसको कहा जाता है यूरोप का सबसे बड़ा देश। मैं बता देता हूँ कि यूरोप का सबसे बड़ा देश रूस है, यानी कि रूस यूरोप का सबसे बड़ा देश है। गाइज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यानी कि यूरोप में कितने भाषा बोलते हैं, यूरोप में कितने भाषा बोलते हैं। यहाँ यूरोप में सबसे अधिक यानी कि रिसर्च करने के बाद पता चला कि यूरोप में यानी कि भाषाएं अधिक है, जो कि कितने हैं, 200 भाषाएं यूरोप में बोले जाते हैं। मैं बताना चाहता हूँ कि अमेरिका में ईसाई धर्म माने जाते हैं, ईसाई धर्म बड़े हैं। लेकिन ईसाई धर्म के बाद कौन सा ऐसा धर्म माना जाता है जो कि ईसाई धर्म के बाद सबसे बड़े माने जाते हैं, उनका क्या नाम है, उस धर्म का क्या नाम है? यहूदी धर्म है, जो कि दूसरा अमेरिका का सबसे बड़ा धर्म है। कौन ऐसा जंगल यानी कि जंगली है जहाँ पर सबसे अधिक वर्षा होता है? ऐसे तो जंगल जहाँ पर है वहाँ पर वर्षा अधिक होता ही है, लेकिन उसमें भी कौन ऐसा जंगल है जिसमें सबसे अधिक वर्षा होता है? आप लोग उस जंगल के नाम पर प्रोडक्ट बिकता है, यानी कि प्रोडक्ट बेचने वाला कंपनी है, प्रोडक्ट यानी कि आप लोग बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। अमेजन जो जंगल है, अमेजन वो जंगल है जिस पे यानी कि उसमें सबसे अधिक वर्षा होती है। गाइज कौन सा मछली है, फिश है, जो कि सबसे तेज वहाँ तैरती है, उससे अधिक कोई नहीं तैर सकता, उसका रिकॉर्ड किया गया है, उसका क्या नाम है मछली का? उस मछली का आप नाम सुनकर चौंक जाएंगे, टुन्ना। कोई मैच नहीं, टुन्ना मछली है। जो टुन्ना मछली है वो 70 किलोमीटर यानी 70 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वह तैरते है, जो कि सबसे बड़ा रिकॉर्ड है टुन्ना मछली का तैरने में। मछली में इतने प्रकार के जहर होते हैं जो कि बहुत यानी कि घातक उसे कहा जाता है, जो कि एक जो सांप होता है स्नेक उससे भी खतरनाक माना जाता है उस मछली का। उस मछली का क्या नाम है, कितने खतरनाक हो सकते हैं? उस मछली का नाम है सांप होता है स्नेक उससे भी खतरनाक माना जाता है उस मछली का। उस मछली का क्या नाम है, कितने खतरनाक हो सकते हैं? उस मछली का नाम है पफर मछली, पफर फिश। लेकिन उस जहर का क्या नाम है, टेटोडोटॉक्स, टेटोडोटॉक्स है, जो कि मछली का जहर है। मछली जो है वो बहुत सारे मछलियां आप नहीं देखे होंगे अभी तक, आप कहीं केरल या कहीं जगह पर समुद्री इलाके में गए हैं तो देखे हैं, इधर क्यों नहीं है, क्योंकि समुद्र नहीं है। लेकिन एक बात है कि मछलियां कितना लुप्त होने वाली है, बस कुछ ही दिनों में कितने मछलियां लुप्त हो जाएंगे, 1000 प्रकार के मछलियां है जो कि लुप्त कुछ ही दिन में होने वाले है, उनका जनसंख्या बहुत कम हो रहा है। गाइज क्या आप जानते हैं दुनिया में यानी कि संसार में कितने बड़े मछलियों का रिकॉर्ड किया गया है, उन मछलियों का क्या नाम है? आप लोग उन मछलियों के फीट के बारे में बताए थे, लेकिन कौन कौन सा मछलियां है, उस मछली को क्या नाम कहा जाता है? आप यह नाम सुने होंगे और देखे भी होंगे अगर समुद्री इलाके में गए होंगे यानी समुद्र के पास। उस मछली का नाम है वहेल, यानी बुल्लू वहेल, और शार्क मछली है दुनिया का सबसे बड़ा मछली। मेरे गाइज मैं बता देना चाहता हूँ कि 18 साल के पहले बच्चे को नाबालिग कहा जाता है, जो कि 18 साल के बाद बच्चे को यानी जो भी है उनको बालिग कहा जाता है। ऐसा क्यों, 18 साल पर है, क्यों ऐसा कंडीशन लगाया गया है कि 18 साल के बाद बालिग हो गए, ऐसा नियम कानून बनाया गया है? मैं बता देना चाहता हूँ 18 साल के पहले यानी कि उससे आप कम उम्र के हैं तो आपको 5 साल की उम्र में 95% आपका दिमाग है जो विकसित रहेगा, और थोड़े परसेंट होकर वह 18 साल तक ले पूर्ण रूप से 100% होगा। 18 साल द्वार जाकर वह पूर्ण रूप से 100% होता है, इसलिए 18 साल के बाद बालिक में घोषित कर दिया जाता है।
और वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।